बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 ही कंटिन्यू होगा। अब हम कल हमने चैप्टर 5A स्टार्ट किया था कल हमने चैप्टर 5A स्टार्ट किया था और गालिबन कुछ उसकी आखिरी की कुछ चीज़ें रिमेनिंग थी, तो उसको हम आज कवर करके फिर नए टॉपिक की तरफ आते हैं। फाइल एलोकेशन टेबल आप लोगों को याद होगा, आपने कर लिया था। फ्लॉपी डिस्क मैंने कहा था आप पढ़ लीजिएगा इसको, और रिमूवेबल हार्ड डिस्क तक, हॉट सर्वेबल तक कई थिंग मैंने आपको बता दिया था। नाउ फिर हमें करना था, हम बात कर रहे थे कि ऑप्टिकल स्टोरेज की हम बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि पिछले क्लासेस में हमने कहा था कि दो टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज एंड मैग्नेटिक स्टोरेज। तो ऑप्टिकल में वही चीज़ें आती थी जिसमें जो थ्रू अ लेंस डेटा को रीड करता है, इमेज उठाता है, तो सीडी या डीवीडी रोम की बात हो रही थी, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज में हमारे पास सीडी या डीवीडी आती हैं। तो ये एक्चुअली क्या है कि ऑप्टिकल इसलिए कहा जाता है कि लेंस होता है और उस लेंस में से एक बीम ऑफ लाइट निकलती है जो डेटा का इमेज लेती है, रीड करती है दूसरे अल्फाजों में, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास। अच्छा, सी डी रोम भी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो तकरीबन 700 MB का डेटा होल्ड करती है या 80 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकती है, ठीक है। 700 MB तकरीबन 80 मिनट ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और ये तो आपने देखा होगा। अच्छा देखो, ये जो डायग्राम है ये इज अ सरफेस ऑफ अ सीडी और डीवीडी। अच्छा देखो, इसमें क्या है, बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि एक सीडी या डीवीडी एक बहुत ही शाइनी सरफेस तो होता है ऑफ कोर्स, लेकिन डेटा रीड और राइट करने के लिए वो सरफेस इस तरह का होता है, ठीक है। यानी क्रस्ट होते हैं और ट्रफ होते हैं, ऊपर होता है और नीचे होता है ना। अब ये जो लेज़र बीम जो इसमें पड़ रही है, लेज़र बीम इसमें जो पड़ रही है ये वाली, तो अगर ये नीचे की तरफ पड़ती है तो इसको लैंड बिट समझा जाता है या इज इक्वल टू 1 समझा जाता है, ठीक है। और जब ये ऊपर की तरफ आती है, यानी कि ये सरफेस है, दिस इज द सरफेस ऑफ, ये सारा सरफेस है किसका, एक सीडी या डीवीडी का, तो ये लाइट पड़ रही है। तो लाइट जब ऊपर की तरफ पड़ती है तो इसको पिट बिट समझता है और ये इसको ज़ीरो लेता है, यानी कि सीडी रोटेट कर रही है तो जाहिर सी बात है लाइट भी मुझसे पड़ी है, किसी जगह ऊपर पड़ेगी किसी जगह नीचे हो जाएगी वो, ठीक है। तो जब ऊपर पड़ेगी तो वो उसको ज़ीरो तसव्वुर करेगा और जब नीचे पड़ेगी तो उसको वो 1 तसव्वुर करेगा, ठीक है ना, लेगा यानी कि। तो इस तरह से क्या होगा, 1 एंड ज़ीरोज़ बनेंगे, इसके कम्बिनेशन बनेंगे, सही। तो सीडी की सरफेस ऐसी होती है, कोई उस पर डेटा नहीं लिखा होता, 0 एंड 1s की फॉर्म में होता है। जब उस पर बीम ऑफ लाइट पड़ती है और नीचे की तरफ पड़ती है तो वो इज इक्वल टू 1 लेता है, उसको हम लैंड बिट कहते हैं, और अगर ऊपर की तरफ पड़ती है तो उसको हम पिट बिट कहते हैं, इज इक्वल टू 0 लेता है वो, ठीक है ना। तो इसी तरह 0s एंड 1 का कम्बिनेशन लेता है ताकि कंप्यूटर समझ सके कि क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम समझते हैं। अच्छा देखो, ये इस तरीके से कुछ इन्होंने दिखाया है, सेक्टर्स ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क पे सेक्टर्स आर वाइडर देन द एजेस। देखो, बाहर की तरफ सेक्टर्स होते हैं बड़े होते हैं और अंदर की तरफ छोटे होते हैं। ये किस पे, सेक्टर्स ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क पे ये सूरत हाल होती है कि बाहर की तरफ सेक्टर बड़े लगते हैं और अंदर की तरफ छोटे हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सेक्टर्स बनते हैं। वेयर सीडी और डीवीडी में सेम होते हैं,
ठीक है, हर सेक्टर एक बराबर साइज का होता है, इसमें छोटे बड़े नहीं होते, जबकि मैग्नेटिज इसमें आउटर साइड पे ज़्यादा बड़े होते हैं और इनर साइड पे छोटे होते हैं। इसी तरह से सीडीज पे जो होते हैं वो सेक्टर्स बाहर की तरफ बड़े होते हैं और अंदर की तरफ भी सेम साइज होता है, ठीक है ना। ओके, ओके, फिर हमारे पास डीवीडी आ जाती है, ठीक है ना, डीवीडी रोम आ जाती है। डीवीडी रोम भी वही चीज़ है जैसे सीडी काम करती है, वैसे ही डीवीडी सेम उसी तरह काम करती है, लेकिन कैपेसिटी वाइज ये सीडी से ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो ये आमतौर पे जीबीज में अवेलेबल होती है, सीडीज जो होती है वो एमबीज में होती हैं और ये जीबीज में होती है ना, 17 GB या इस तरह से। जैसे इसमें ये देखें 17 GB भी लिखा हुआ, 17 GB की ये अवेलेबल हो सकती है। इसमें क्योंकि डेटा ज़्यादा आता है तो ये डेटा को समराइज कर देता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है, जब इन्हेंस होती है तो वो क्या करती है, पिछली टेक्नोलॉजी को भी अपने अंदर जम कर लेती है। फॉर एग्जांपल सीडीज आई, उसमें 700 MB का डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। फिर डीवीडी आई, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी सीडीज का डेटा आप एक डीवीडी में आप सेव करके रख सकते हैं, तो डेटा आपका समराइज हो जाता है। ओके, अच्छा, फिर ये रिकॉर्डेबल ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी, एक सीडी सीडीआर होती है, एक सीडीआर कहलाती है, जो सीडीआर का मतलब है रिकॉर्डेबल, ठीक है, यानी इसमें आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं ओनली वंस, एक दफ़ा आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वेयर एज सीडीआरडब्ल्यू जो है, सीडीआरडब्ल्यू रीराइटेबल, मल्टीपल टाइम्स आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे कि आप हार्ड डिस्क में करते हो या अपनी फ्लैश मेमोरी में कर लेते हो, एक चीज़ को डिलीट करते हो दूसरी चीज़ को सेव कर लेते हो, तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है, रीराइटेबल। तो एक होती है सीडीआर कहलाती है, जिसको हम कहते हैं सीडी रिकॉर्डेबल, एक सीडीआरडब्ल्यू कहलाती है री रिकॉर्डेबल। तो सीडीआर जो होती है वो रिकॉर्ड वंस, और वेयर एज सीडीआरडब्ल्यू मल्टीपल टाइम्स ऑफ टाइम्स जो है वो उसको रिकॉर्ड करती है, रिकॉर्डेबल, ठीक है ना। ओके, फोटो सीडी कोडेक में एक निकाल लीजिए, एक ज़माने में जो फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल होती थी, अब नहीं आती है। ओके, तो हाँ, उसके बाद हमारा ये आ जाता है सॉलिड स्टेट स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज की तीसरी फॉर्म जो थी हमने कहा था सॉलिड स्टेट स्टोरेज है, और ये जो होती है इसमें, अच्छा देखो, इसमें एक्चुअली सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है, आप सर्किट में जब आप डेटा को रिकॉर्ड करते हो किसी भी सर्किट में, किसी भी आईसी में, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट में जब आप डेटा को सेव करते हो, तो वो उस टाइप की स्टोरेज जो है वो हमारी कहलाती है सॉलिड स्टेट स्टोरेज। समटाइम्स वॉलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है, ठीक है। आई होप कि आपको वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का डिफरेंस पता होगा, ठीक है ना। जैसे आपने शुरू में पढ़ा था रैम जो है वो वॉलेटाइल है, इसका मतलब कि उनको कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई चाहिए होती है, वॉलेटाइल सर्किट जो होते हैं या वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रैम भी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, एक आईसी है जिसमें आप डेटा को स्टोर करते हो, बट वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली आपको उसको बिजली प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज अगर आप उसको उसकी बिजली बंद कर दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दोगे, तो डेटा विल बी लॉस्ट, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल आपको याद होगा कि जो परमानेंटली स्टोर करके रखता है, होता इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है लेकिन उसमें डेटा सेव रहता है। अब जैसे फ्लैश मेमोरी है हमारी, फ्लैश मेमोरी क्या होती है आपको याद होगा, जिसे हम कहते हैं यूएसबी कहते हैं ना, जिसे हम एक स्टोरेज डिवाइस होती है छोटी सी,
यूएसबी जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली वो क्या कहलाती है, फ्लैश मेमोरी कहलाती है हमारी, यूएसबी नहीं कहलाती। वो यूएसबी इज़ अ वो जो है एक रास्ते का नाम है, यूएसबी एक रास्ते का नाम है, यूनिवर्सल सीरियल बस। आप पहले पढ़ चुके हो कि कंप्यूटर में बस का लफ्ज़ जब भी आता है वो एक पाथ होता है, इलेक्ट्रॉनिक पाथ फॉर ट्रेवलिंग डेटा, डेटा को ट्रेवल करने के लिए वो एक रास्ता होता है। ठीक है, तो फ्लैश मेमोरी हो गई आपकी, जैसे MP3 प्लेयर हो गए, वो छोटे से जो होते हैं जिसमें सॉन्ग आ जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैं और ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे सर्किट्स क्या कहलाते हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज कहलाते हैं, और ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, इनको पावर की ज़रूरत नहीं होती कि आप हर वक्त इनको पावर देते रहो। ठीक है ना, देन स्मार्ट कार्ड। देखो स्मार्ट कार्ड भी जो हैं वो जैसे आपके ऑर्डिनरी क्रेडिट कार्ड होते हैं, स्मार्ट कार्ड इज़ अ डिवाइस विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल। देखो जैसे आपका शनाख्ती कार्ड है, स्मार्ट कार्ड है, उसमें एक वो लगा हुआ है, एक चिप लगी हुई है, आपके जो आप शनाख्ती कार्ड बनते हैं जिसको हम स्मार्ट कार्ड कहते हैं, वो भी एक शनाख्ती कार्ड, उसमें एक चिप लगी हुई है। ठीक है, उस चिप में डेटा को सेव करते हैं। ठीक है, तो वो भी जो कैटेगरी है वो क्या है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज की कैटेगरी में आता है। आपकी जो मोबाइल में मेमोरी कार्ड होते हैं ये भी सॉलिड स्टेट स्टोरेज में ही आते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे जितने भी स्टोरेज होती है जो जो आप इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डेटा को सेव करते हो, वो कैटेगरी क्या कहलाती है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज। सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है वॉलेटाइल भी हो सकती है और नॉन वॉलेटाइल भी हो सकती है। ठीक है, और सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है वो न मैग्नेटिक होती है न ऑप्टिकल होती है। ठीक है, याद रखना इसको कि सॉलिड स्टेट स्टोरेज जो है वो न मैग्नेटिक स्टोरेज टाइप होती है न ऑप्टिकल स्टोरेज टाइप होती है। ये एक अलग टाइप ऑफ स्टोरेज है, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड सॉलिड स्टेट स्टोरेज, क्योंकि ये सर्किट में डेटा को स्टोर करके रखती है, एक सर्किट में डेटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है ना, ओके, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। इसको आप देखिएगा कि ये MCQs वगैरह ये सब आप क्वेश्चन आंसर देखिएगा इसके एक दफ़ा, अब क्योंकि उम्मीद है कि इंशाल्लाह 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी मे बी हमारी अब शायद एक क्लास और ऑनलाइन हो, उसके बाद हमारी रेगुलर क्लास इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से होनी चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास जो हमारी जो है सितंबर का अगर महीना देखें तो 15 को ही पढ़ रही है, नेक्स्ट क्लास 15 को पढ़ रही है हमारी, और 15 से यूनिवर्सिटी खुल जाएंगी, तो इंशाल्लाह अब हम जो भी क्लास लेंगे वो यूनिवर्सिटी में ही लेंगे। ओके दैन नाउ, अच्छा अब इसके बाद हमें जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 6A हमें स्टार्ट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अभी हम इसको देखते हैं, आई होप के ये आ गया होगा, टेली कम्युनिकेशन कहाँ आ गया ये, ओके ये ज़्यादा आगे आ गए हम लोग। तो अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर नंबर 6A है हमारा। अच्छा देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता ही है कि क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ हैं, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपको याद होगा, हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जी मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये हमने बात की थी पहले के दिनों में। कहाँ रह गया भाई चैप्टर 6, ज़्यादा आगे कर दिया हमने, ओके होपफुली
अभी ये तो चैप्टर 7 आ गया। नाउ अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। इसको हमने थोड़ा सा देखते हैं, ये शुरू हो गया हमारा चैप्टर 6A। नाउ डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम 6B, ये वाला जो चैप्टर है हमारा। ओके, ओके ये देखो। अच्छा देखो, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स चैप्टर नंबर 6A। मेरा ख्याल आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में शायद पहले आपको बताया था। अच्छा देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसको हम विंडोज कहते हैं। देखो, विंडोज़ क्या काम करता है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, उसका काम ये होता है कि वो इंटरेक्शन करता है बिटवीन यूज़र एंड मशीन। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में या स्मार्टफोन में अगर आपके पास वो नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या होगा, मशीन क्या करेगी, मिसबिहेव करेगी आपके साथ, ठीक है, आपकी बात नहीं मानेगी। तो एक ऑपरेट, इसका मतलब हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मशीन को, यूज़र के साथ, यानी कि मेरे साथ कंप्यूटर अब इंटरेक्ट करेगा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें होगा। अच्छा, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं चलेगा उसमें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक्सेल करना चाहता हूँ, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल हो गया, फोटोशॉप हो गया, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहूँ तो मैं उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर होगा तो मैं मशीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकूँगा, यहाँ मशीन से मुराद कंप्यूटर है, मशीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकूँगा और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकूँगा। नाउ अच्छा, अगर हम देखें तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके चार फंक्शन है। ये आपको चार डबल एरोज में आपको चार फंक्शन नज़र आ रहे होंगे। अगर आप इसको पेज को देखो, ये वाले पेजेस आपको नज़र आ रहे होंगे, चार एरोज नज़र आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। फंक्शंस अलग हैं, टाइप्स अलग हैं, ठीक है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, जिसमें पहला क्या है, डिस्प्ले द ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स विद विच यू इंटरेक्ट द यूजर इंटरफेस, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस क्या चीज़ होती है, जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो डेस्कटॉप आपको नज़र आता है, ये आपका इंटरफेस है, यानी यहीं से आपने कम्युनिकेशन करनी है सारी। आपका मोबाइल है, जब आप उसको ऑन करते हो जो सामने स्क्रीन आती है, लॉक स्क्रीन के बाद जो स्क्रीन नज़र आती है वो आपका इंटरफेस है, उसी को आप आइकन्स को दबाते हो तो वो प्रोग्राम रन होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन क्या होता है कि वो आपको क्या डिस्प्ले करता है, यूज़र इंटरफेस डिस्प्ले करता है, ठीक है। अच्छा, एक फंक्शन तो ये हो गया। अच्छा, ये याद रखिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस, दो किस्म के इंटरफेसेस होते हैं। नंबर वन इज
कमांड लाइन इंटरफेस। नंबर एक क्या होता है, कमांड लाइन इंटरफेस। मिसाल के तौर पे अगर आपने देखा हो जिस ज़माने में डॉस चलती थी, तो ये स्क्रीन जैसे विंडोज़ नहीं आती थी, वो एक ए प्रॉम्प्ट करके एक स्क्रीन आती थी या सी प्रॉम्प्ट करके आती थी, उस पर हमें कमांड टाइप करना होती थी। मिसाल के तौर पे अगर मुझे एक फ़ाइल कॉपी करनी है सी से डी में, तो मैं कमांड लिखूँगा सी ओ पी वाई कॉपी, फाइल का नाम मिसाल के तौर पे ए बी सी, कहाँ करनी है, डी में करनी है, तो डी कॉलन करके एंटर करूँगा, तो वो फाइल एक जगह से सी से डी में कॉपी हो जाएगी। सही, तो कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करना होता था, आपको कमांड टाइप करनी होती थी। ठीक है, दूसरा इंटरफेस क्या, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जी यू आई, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हो विंडोज़ में, आपके सामने सारी ग्राफिक्स होती हैं, उसको आप डबल क्लिक करते हो, क्लिक करते हो तो वो रन कर जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्या करते हो, मिसाल के तौर पे वही काम करना चाहते हो, तो आप ए बी सी फाइल को राइट क्लिक करोगे, कमांड विंडो खुल जाएगी, उससे आप कॉपी लिखोगे, कॉपी को क्लिक करोगे और डी में जाके आप इसको जहाँ पे आपको पेस्ट करनी है वहाँ पे राइट क्लिक करोगे, और फिर कमांड विंडो खुलेगी तो आप वहाँ पे पेस्ट कर दोगे उसको, यानी कि वो सी से डी में आपने कॉपी कर दी। वही काम जो है एक कमांड लाइन इंटरफेस में टाइप करके होता है, ग्राफिक इंटरफेस में माउस के ज़रिए होता है। ठीक है ना, तो दोनों में ये फ़र्क है। तो याद रखें कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और इंटरफेस दो किस्म के होते हैं, ये पुराने ज़माने का है कमांड लाइन इंटरफेस, और ये विंडोज़ का इंटरफेस है जो आपके सामने आजकल आप इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरा फंक्शन उसका क्या है, लोड प्रोग्राम सच एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर मेमोरी सो दैट यू कैन यूज देम। फिर दूसरा फंक्शन जो है वो क्या है दूसरा फंक्शन उसका क्या है कि वो प्रोग्राम को लोड करता है। ठीक है, लोड करता है कहाँ पे, हार्ड डिस्क या कहीं से भी उसको मेमोरी में, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सको। आपको ये बात पहले भी बताई थी कि हर सूरत में किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि वो कहाँ पे जाए, मेमोरी में जाए या रैम में जाए। ठीक है ना, तो इसका सेकंड फंक्शन क्या है, इसका सेकंड फंक्शन ये है कि प्रोग्राम को लोड करता है मेमोरी में, ठीक है, ताकि आप उसको इस्तेमाल कर सको। थर्ड फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेट हाउ प्रोग्राम वर्क विद द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड अदर सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, अच्छा, तीसरा काम उसका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वो प्रोग्राम से भी कोऑर्डिनेट करता है और कंप्यूटर हार्डवेयर से भी कम्युनिकेट करता है या कोऑर्डिनेशन करता है या अदर सॉफ्टवेयर से, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वो कोऑर्डिनेशन करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तीसरा काम उसका क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी वो कोऑर्डिनेट करता है कि इस वक्त किस हार्डवेयर को चलना चाहिए, किसको रोकना चाहिए, किस सॉफ्टवेयर को डेटा आना चाहिए, कहाँ से डेटा रोकना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कम्युनिकेट करता है हार्डवेयर के साथ भी और सॉफ्टवेयर के साथ भी। ओके, देन फोर्थ एंड द लास्ट वन इज मैनेज द वे ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन द ऑन एंड रिट्रीवल फ्रॉम द डिस्क, यानी कि वो ये भी मैनेज करता है कि कैसे डेटा को डिस्क पे स्टोर करना है और कैसे उसको रिट्रीव करना है या एक्सेस करना है। ठीक है, तो चौथा फंक्शन उसका क्या है कि वो किस तरीके से डेटा को रिट्रीव करना है, रिट्रीव का मतलब किस तरह से डिस्क पे से उठा के लेकर आना है और किस तरह डिस्क पे स्टोर करना है। ठीक है, तो चौथा काम उसका ये हो गया, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इम्तहान में कि राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपने याद रखना है देयर आर फोर फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पहला क्या है कि डिस्प्ले देता है आपको आपको जो है पहला यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको। ठीक है, फिर आपको पता है यूज़र इंटरफेस दो किस्म के होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस होता है और एक
ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। नाउ तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला फंक्शन उसका क्या है कि वो आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मुख्तसर बात जो लिखी जा सकती है कि वो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, पहला उसका जो फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है कि वो प्रोग्राम को लोड करता है कहाँ पे, मेमोरी में, ताकि उस प्रोग्राम को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जब तक वो मेमोरी में लोड नहीं होगा वो इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। तीसरा क्या है, कोऑर्डिनेट करता है विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कोऑर्डिनेट करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। चौथा उसका क्या फंक्शन है कि वो मैनेज करता है हाउ टू स्टोर और रिट्रीव डेटा फ्रॉम द स्टोरेज डिवाइसेस। मुख्तसर बात यह, ठीक है, कि वो मैनेज करता है कि किस तरीके से डेटा को स्टोर करना है और मैनेज करना है स्टोरेज डिवाइसेस पे। तो ये चार फंक्शन आपको याद हो गए होंगे आसान से, ठीक है। तो ये फंक्शंस थे। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम से, टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें पहला हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको तो पता ही है कि रियल टाइम का क्या मतलब होता है। रियल टाइम का मतलब होता है कि जो काम उसी वक्त हो जाए, रियल टाइम। जैसे आजकल आपने सुना हुआ है ऑनलाइन का लफ्ज़ सुना हुआ है ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी वैसा ही होता है, ठीक है। रियल टाइम यानी कि उसी वक्त किसी भी इनपुट का आउटपुट दे दे, किसी भी इनपुट का रिस्पॉन्ड दे दे, ठीक है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्ट होता है और इतना स्मॉल होता है कि किसी सर्किट में आ जाए, ठीक है, किसी सर्किट, छोटे से सर्किट में आ जाए, किसी आईसी में आ जाए, उसको हार्ड डिस्क में लोड करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको हार्ड डिस्क में लोड करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये इतना क्विक रिस्पॉन्ड करता है कि आप इनपुट करते हो और उसको वो उसका फौरन ही आउटपुट दे देता है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें भी लिखा हुआ है, रियल टाइम एप्लीकेशन इज़ एन एप्लीकेशन दैट मे ओनली सपोर्ट सिंगल टास्क, ठीक है, वेरी गुड। ये सिंगल टास्क को सपोर्ट करता है, यानी कि आप एक ही टास्क आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो। जैसे आजकल के कंप्यूटर में मल्टीपल टास्क होती हैं, लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, सिंगल टास्क आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये इस्तेमाल कहाँ होता है, ये जैसे आपने मेडिकल अप्लायंसेस में देखा होगा, जैसे आपने एक मशीन होती है जो आईसीयू में लगी होती है पेशेंट के सराहने, जिसमें वाइटल नज़र आते हैं, दिल की धड़कन नज़र आ रही होती है और हार्ट बीट नज़र आ रही होती है, इस तरह की चीज़ें उसमें नज़र आ रही होती हैं। उसमें एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे ही आप पेशेंट की पल्स हिलती है वो उसका रिस्पॉन्ड करता है, फौरन ही उसकी इमेज जो है स्क्रीन पे दी जाती है। अच्छा देखो, ये हमारा रियल टाइम एक मुख्तसर बात, एक छोटा ऑपरेटिंग सिस्टम है, इतना छोटा कि ये किसी सर्किट में आ जाए और क्विक रिस्पॉन्ड करता है, इनपुट का फौरन आउटपुट देता है, जैसे मेडिकल अप्लायंसेस में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। नाउ फिर दूसरी टाइप है हमारी सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखो, ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये वाली, ये देखो कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है, ये वाला जो है कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है, जिसमें क्या होता है, अच्छा ये क्या है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा ये मैंने आपको बताया कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है, कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें टाइप करनी पड़ती है कमांड। तो ये सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जिसको हम क्या कहते थे, डॉस, DOS, MS-DOS इज़ एग्जाम्पल ऑफ सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसमें आप एक ही वक्त में एक ही काम आप कर सकते थे। जैसे आप लोगों ने नहीं देखेंगे उस ज़माने में, मैं आपको ये
एटीज की बात बता रहा हूँ, जब उस वक्त कंप्यूटर आते थे 286 386, जिसमें हार्ड डिस्क भी नहीं होती, फ्लॉपी होती थी, वो भी 1.25 इंच की, जब उसको हम चलाते थे तो सिंगल टास्क था वो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम था डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो सपोर्ट करता था सिंगल टास्क को। सिंगल टास्क से मुराद ये कि मिसाल के तौर पर मैंने 100 पेज प्रिंट के लिए दे दिए, तो जब तक 100 पेज प्रिंट नहीं निकल जाएगा आप कोई दूसरा काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो सॉन्ग सुनते ही रहो, फिर आप और कोई काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हो तो आप सॉन्ग नहीं सुन सकते, तो यानी सिंगल टास्क। तो उस ज़माने में जो जो सिस्टम थे 80s में और शुरू के 90s के कुछ सालों में, वो जो थे सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे जो एक ही टास्क को सपोर्ट करते थे। लेकिन ऑफ कोर्स अपने ज़माने का ये एक बेहतरीन चीज़ होती थी। उसके बाद सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आजकल जो आप सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, आजकल जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, विंडोज 7 और ऑनवर्ड इसके जितनी भी हैं, ये सारी सिंगल यूज़र है। एक आदमी एक पीसी पे बैठ के इस्तेमाल करता है और मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, यानी कि आप 100 पेज प्रिंट के भी दे सकते हो और टाइपिंग भी कर सकते हो, सॉन्ग भी सुन सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीटास्किंग, ठीक है ना। तो आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं ये सारे मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। जब यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो आप मुझे याद दिलाना कि मैंने आपको ये बताना है कि मल्टीटास्किंग कैसे पॉसिबल हुई, ठीक है ना, मल्टीटास्किंग कैसे पॉसिबल हुई। और एक चीज़ और मुझे बतानी है, दैट इज़ कैश मेमोरी या बफर, उसके बारे में भी हमने बात करनी है, वो भी याद दिलाइएगा मुझे। ओके, नाउ फिर हमारा जो लास्ट वन है, आखिरी वाला टाइप जो ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या है, NOS जैसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू आप मल्टी यूज़र, यानी एक आपने सर्वर मशीन बना दी है, उसके साथ आपने कुछ नोड्स लगा दी या कुछ और मशीनें लगा दी, अब वो क्या कर रहे हैं, एक अपना टास्क इस्तेमाल कर रहा है, एक अपना टास्क इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि एक लेट सपोज एक कोई और सेशन इस्तेमाल कर रहा है, दूसरा वाला कोई दूसरा सेशन इस्तेमाल कर रहा है, ये दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है, ये दोनों अलग अलग डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यूज़र भी मल्टीपल हो गए और टास्क भी मल्टीपल हो गई, ठीक है ना। तो ये जितने भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये सारे सपोर्ट करते हैं मल्टी यूज़र और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, ठीक है ना। ओके, नाउ ये चार किस्म के हमारे पास क्या थे, टाइप्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने दोनों में डिफरेंस ये रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं वो अलग चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स क्या हैं वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। ऐसा ना हो फंक्शन पूछे जाएँ आप टाइप्स लिख दो, टाइप्स पूछे जाएँ आप फंक्शन लिख दो, तो दोनों में एक वाज़े फ़र्क है, ठीक है। ये हमारे पास जो हैं चार फंक्शंस हैं, ये हमारे पास चार फंक्शंस हैं डबल एरोस में लगे हुए, ठीक है। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे आपको याद हो गए होंगे, ज़रूरी नहीं कि इसी लैंग्वेज में लिखें, इन योर ओन वर्ड्स के सॉरी पहला वो क्या कहता है कि जी आपको इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम को लोड करता है, कोऑर्डिनेट करता है विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और मैनेज करता है कैसे डेटा को स्टोर करना है और कैसे रिट्रीव करना है, ठीक है ना। और इसी तरह से इतफाक से चार ही टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एक जो है वो मल्टी यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो आज हम उसको यहीं तक ही रखते हैं, और इसको आप एक नज़र पढ़ लेना सारी चीज़ों को। बुक से बताने का मतलब ये है कि आपको
पता भी चल जाए बुक में कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, उसको रीड कर लें। इसको पावर पॉइंट पे भी किया जा सकता था, लेकिन वो फिर उसमें आपको चीज़ों के बारे में पता नहीं चल पाता सही। तो डायरेक्ट मैंने आपको बुक से इसलिए करवा दिए कि आप बुक से बआसानी इसको चेक कर सकते हो। मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं, ठीक है, तो उसी हिसाब से आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि उम्मीद है कि नेक्स्ट क्लास आप आपके साथ यूनिवर्सिटी में मुलाकात हो, ठीक है। अब वो देखते हैं, बशर्ते ज़िंदगी, अल्लाह ने अगर ज़िंदगी दी तो आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यूनिवर्सिटी में ही मुलाकात होगी, ठीक है ना। तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फी अमानल्लाह।